दोस्तों आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड आज के दिन कई सारी बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, जहां पे पहली अपडेट है आरसीबी टीम के नए मेंटोर और बैटिंग कोच को लेकर। इसके बाद मुंबई इंडियंस के रिटेन खिलाड़ी रोहित शर्मा का नया आईपीएल टीम, इंडिया जिम्बाब्वे का मैच और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड सभी न्यूज आप लोगों को दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है डीके यानी कि दिनेश कार्तिक को लेकर। तो दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी दिया, जहां पे अब दिनेश कार्तिक आरसीबी टीम के मेंटोर के रूप में नजर आएंगे और इसके साथ ही दिनेश कार्तिक को आरसीबी टीम का बैटिंग कोच भी बनाया गया है। तो आईपीएल 2025 से दिनेश कार्तिक आरसीबी टीम के बैटिंग कोच और मेंटोर के तौर पर आप लोगों को नजर आने वाले हैं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। तो मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से काफी बड़ी अपडेट है, यहां पे T20 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन यानी कि रोहित शर्मा को ना चाहते हुए भी मुंबई इंडियंस की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज कर सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम के रिटेंशन में हो सकता है कि रोहित शर्मा का नाम ना हो और मुंबई की टीम मुख्य रूप से कुछ बड़े प्लेयर्स को ही रिटेन करे और रोहित शर्मा को कप्तानी न मिलने की वजह से मुंबई की टीम इनको रिलीज कर सकती है। और क्यों रिलीज करेगी इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है रूल्स को लेकर। तो यहाँ पे ऑक्शन के लिए यानी कि मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने नए नियम के ऊपर विचार किया है और हो सकता है कि मेगा ऑक्शन में हाईली चांस है कि सभी टीमें मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को ही रिटेन कर पाए, यानी कि इस साल के मेगा ऑक्शन में सभी टीमें मैक्सिमम 3 खिलाड़ी को ही रिटेन कर पाएगी। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है आरटीएम कार्ड को लेकर। तो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल इस बार के ऑक्शन में होगा, जहां पे सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड को वापस से ऑक्शन में खरीदना चाहती है तो उनको आरटीएम कार्ड के थ्रू डायरेक्टली अपने टीम में परचेज कर पाएगी। तो मेगा ऑक्शन में आरटीएम कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर के। तो मेगा ऑक्शन के नए नियमों के चलते हो सकता है कि चेन्नई की टीम महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन न कर पाए और हाईली चांस है कि चेन्नई तो रिटेन करना ही चाहेगी, लेकिन एमएस धोनी खुद हो सकता है कि अगले साल से आईपीएल ना खेले, क्योंकि उनका फिटनेस जो है वो काफी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, उनके नी में प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि एमएस धोनी मेगा ऑक्शन में खुद को रिटेन नहीं होने देंगे, वो चाहेंगे कि युवा खिलाड़ियों को सीएसके रिटेन करे, तब उस कंडीशन में एमएस धोनी खुद रिटायरमेंट का फैसला ले सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के रिटेन खिलाड़ियों को लेकर। तो मुंबई की टीम रोहित शर्मा को क्यों बाहर करेगी इसको एक्सप्लेन किया जाए तो मुंबई मुख्य रूप से कप्तान हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को ही रिटेन कर पाएगी। और चूंकि सभी टीमें मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है तो मुंबई मुख्य रूप से सूर्या, हार्दिक और हो सकता है कि बुमराह को ही रिटेन करे, तब उस कंडीशन में रोहित शर्मा को रिलीज करना पड़ेगा और रोहित शर्मा को यह टीम आरटीएम कार्ड के थ्रू ऑक्शन में हो सकता है अपने स्क्वाड में शामिल कर ले। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आरसीबी टीम को लेकर। तो आरसीबी टीम की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पे आरसीबी फैंस चाहते हैं कि यदि रोहित शर्मा ऑक्शन में आए तो आरसीबी टीम इनको खरीद ले और एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की तरह रोको का जोरी आप लोगों को आईपीएल में भी देखने को मिले। और यदि रोहित शर्मा आरसीबी में चले आएंगे तो आरसीबी टीम का ओपनिंग डिपार्टमेंट मजबूत हो जाएगा और इनको मजबूत लीडर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे रोहित शर्मा हाईली चांस है कि ऑक्शन में आएंगे तो बेंगलुरु इनको टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर के। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने स्क्वाड में जेक फ्रेजर मैगर को रिटेन करेगी और इसके साथ ही ऋषभ पंत और अक्षर पटेल को रिटेन करेगी, यानी कि दिल्ली जिस बड़े विदेशी प्लेयर को रिटेन करेगी उनका नाम होने वाला है जेक फ्रेजर मैकगर्क। और इसके बाद इस लिस्ट की नवी बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के। तो केकेआर की टीम को बड़ा झटका लग चुका है, जहां पे गौतम गंभीर को जैसे ही बीसीसीआई भारत का नया हेड कोच बनाएगी तब उस कंडीशन
सीजन में गौतम गंभीर को मजबूरन कोलकाता का हेड कोच और मेंटोर का पद छोड़ना पड़ेगा। तब उस कंडीशन में गौतम गंभीर केकेआर के मेंटोर नहीं रह पाएंगे और वो टीम इंडिया को ही अपना सेवा दे पाएंगे। तो ऐसे में गंभीर केकेआर को चैंपियन बनवा करके वापस से टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे और कोलकाता के साथ करेंटली नहीं जुड़ पाएंगे जब तक वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। वहीं इस लिस्ट की 10वीं अंतिम अपडेट है इंडिया जिम्बाब्वे के 5 टी20 मैचों की सीरीज को लेकर के। तो पहला टी20 6 जुलाई को शाम 4:30 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे लाइव दिखाया जाएगा और मोबाइल में सोनी लिप पे लाइव आएगा। तो ये था आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।